हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन नू एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा करन दिया मौलाना फजल रहमान दिया कोशिशां नाकाम हुंदियां नजर आ रही ने, जिदा एक सबूत नवाज शरीफ ते फजल रहमान होरा दी मुलाकात तो बाद सामने आया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान दे इसरार दे बावजूद ना सिर्फ जाती तौर ते एस APC विच शिरकत तो माजरत की, बल्कि APC विच नून लीग वालों किसी वफद की शमूलियत लई भी शहबाज शरीफ नाल मुशावरत तक टाइम मांग लिया है। सियासी तजियाकारां दा आखना है कि जेल तो वापस आन तो बाद नवाज शरीफ ते मरियम नवाज की खामोशी किसी खास मकसद के तहत है। यही वजह है कि NRO के मफरूजे विच भी जान पैंदी जा रही है। वजीर आजम वालों NRO ना देने दी यकीन दहानियां के बावजूद बाज़ हल्कियां दा दावा है कि नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ NRO वास्ते भरपूर कोशिशां कर रहे हैं। उन्होंने हल्कियां का यह भी दावा है कि नवाज शरीफ करप्शन जरिए इकट्ठी की जाने वाली दौलत का कुछ हिस्सा इस शर्त से वापस करने वास्ते तैयार ने कि उन्होंने अवामी सतह से करप्ट ना आख्या जाए, बस चुप करके पैसे ले लिते जान ते उन्होंने बाहर भेज दिता जाए। दूजे पासे मुक्तदर हल्कियां का आखना है कि लुट्टी गई दौलत का 80 से 90% वापस किया जाए तो अपनी करप्शन भी अवामी सतह से तस्लीम किया जाए, तो फिर इन्हों दोहां भरावां नूं बाहर भेजने उत्ते गलबात की जा सकती है। ये सारे ही वो मफरूजे ने जिहड़े ओपोजिशन के एक प्लेटफार्म से इकट्ठे ना होने की वजह तो पैदा हो रहे हैं या नवाज शरीफ की खामोशी की वजह तो जोर फड़ रहे हैं। ओपोजिशन जमातों के लीडर का मुस्तकबिल की होगा ये तो आने वाला टाइम ही दसेगा, पर पाकिस्तानियों में एक उम्मीद जरूर पैदा होती जा रही है कि इमरान खान किसी भी सूरत करप्शन के मुजरमों को माफ़ी नहीं देगा।